इस फोन में है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, बढ़िया कैमरास भी है, डेडिकेटेड गेमिंग फीचर, टॉप नॉच एमोलेड डिस्प्ले एंड और भी बहुत कुछ, बट प्राइसिंग बहुत ही सरप्राइजिंग है। सो आईकू ने इतने सारे कमाल के फीचर्स एक ही फोन में कैसे डाल दिए, एंड क्या ये रियल लाइफ में इतना ही बढ़िया है जितना ऑन पेपर है, चलिए जानते हैं। सो ये है एक डिटेल्ड वीडियो ऑफ आईकू न्यू 7 प्रो। इस फोन को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा था और खरीदने के वक्त मेरे को ये ऐसा फील हो रहा था कि लाइक मैं कोई गेमिंग डिवाइस को खरीद रहा हूँ, एंड परफॉर्मेंस को छोड़ दूं तो इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस है क्योंकि प्राइसिंग भी तो कम है ना, और गेमिंग डिवाइस के हिसाब से प्राइसिंग रीजनेबल नहीं है, आई मीन ज्यादा होना चाहिए था, ऑलमोस्ट 45K। सो मैं इसको यूज करने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्प्ले काफी शानदार है, आई मीन एक इनिशियल होता है ना कि देखते ही पसंद आ जाए, ये उस तरीके का डिस्प्ले है, बिलीव मी, और मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल। स्पेसिफिकेशंस भी बढ़िया, एमोलेड 120Hz HDR 10 प्लस सपोर्टेड डिस्प्ले, स्मूथ फील हुआ और व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया थे। सो ये प्लस पॉइंट था इस फोन का, और गेमिंग के बारे में एकदम लास्ट में बात होगा क्योंकि यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फोन का और वीडियो का भी। सो देखते रहो वीडियो को। वेल, डिजाइन के मामले में ये फोन 7 out of 10 इन ए पॉजिटिव, क्योंकि ठीक है डिजाइन, और हाँ फिनिशिंग लेदर फिनिशिंग है, पकड़ने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, और हाँ ये एक 5G फोन है तो या फ्यूचर प्रूफ तो है ही। बाकी इधर देखने को मिलेगा तुम्हें डुअल स्टीरियो स्पीकर, तो मीडिया कंजम्पशन बढ़िया होने वाला। प्रायोरिटी अगर बैटरी तो ये फोन इस सेगमेंट में काफी बढ़िया, क्योंकि इधर तुम्हें एक 5000 mAh का अच्छा खासा बैटरी मिल जाता है, उसी के साथ है 120 वाट का फास्ट चार्जिंग। सिर्फ 8 मिनट चार्ज करके तुम इस बैटरी को ऑलमोस्ट 50% तक रिचार्ज कर पाओगे, सो या काफी फास्ट है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं जो की है कैमरा, लेकिन इस बार मैं सेटिस्फाइड नहीं था इसके कैमरे से। इधर पीछे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा तुम्हें, जिसमें मेन कैमरा है 50 megapixels का, वॉइस भी सपोर्ट करता है बट नॉट सो गुड, तुम स्क्रीन में देख सकते हो सैंपल्स। तो ये है आईकू नियो 7 प्रो के रियर कैमरे का वीडियो फुटेज, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, और हाँ जो साउंड आप लोग सुन रहे हो वो इसी स्मार्टफोन के माइक का इनपुट है, कैसा लग रहा है वो भी बताना। साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है जिसमें डिटेल्स बहुत ही कम है, एंड नेक्स्ट एक मैक्रो कैमरा भी है और उसको छोड़ देते हैं। सामने भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड वो भी काइंड ऑफ ओके है, मतलब उतना बढ़िया तो नहीं कह सकते। सो हाँ कैमरा डिपार्टमेंट में ये फोन एवरेज है, बट जहाँ पर ये डिवाइस शाइन करता है वो है इसका परफॉर्मेंस। इस पर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, ये बेस्ट नहीं है बट तुम इसको सेकंड बेस्ट कह सकते हो, मतलब पिछले साल ये टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप प्रोसेसर था, लेकिन अभी के टाइम पे इस प्रोसेसर को यूज करने के पीछे बेसिकली ना दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना काफी कॉस्ट कटिंग में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई ये फोन तुम्हें बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा है। दूसरा रीजन है कि ऐसा कोई टास्क नहीं है जो ये प्रोसेसर ना संभाल पाए, ऑलमोस्ट सभी हेवी टास्क ये बहुत ही स्मूथली करते हैं, सो दैट्स व्हाई ये प्रोसेसर हर केस में फिट भी बैठता है और प्राइसिंग में भी सस्ता हो जाता है। सो इसी वजह से आईकू ने इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को सिलेक्ट किया, डिसीजन अच्छा था। इस पे गेमिंग के लिए तुम्हें अल्ट्रा गेमिंग मोड भी मिल जाता है, साथ में जितने जायरोस्कोपिक प्लेयर्स हैं उनके लिए जायरोस्कोप एनहांसमेंट फीचर भी दिया गया, और हाँ रैम एक्सटेंशन फीचर भी है, तो तुम्हें टोटल 16GB ऑफ रैम मिल जाएगा 8+8 करके। हाँ, अब आते हैं स्मूथ गेमिंग के लिए डेडिकेटेड फीचर्स की तरफ। सो फ्रेम रेट को इंक्रीज करने के लिए आईकू ने इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप एड ऑन किया है इस डिवाइस में, जिससे तुम्हारा गेमिंग अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक बूस्ट हो सकता है सीरियसली, और फोन ज्यादा गर्म ना होने के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा एक कूलिंग सिस्टम है इसमें, प्लस 4D वाइब्रेशन भी है। सब कुछ मिला के ये गेमिंग फोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, मेरे को तो बहुत ज्यादा सही लगा, हमारे टीम मेंबर्स ने भी गेम्स खेल के देखा, उनको भी काफी ज्यादा मजा आया। सो लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर तुम्हारा बजट है 35,000 रुपए के आसपास और तुम्हें बहुत ही नेक्स्ट लेवल गेमिंग फोन भी चाहिए तो ये फोन तुम्हारे लिए है, और अगर तुम्हारा मेन नीड कैमरा है तो ये फोन तुम लोगों के लिए नहीं। तुम लोग गूगल के डिवाइसेस देख सकते हो, सैमसंग के डिवाइसेस भी है। सो यही था एक ओवरऑल रिव्यू, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और हाँ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स को भी जरूर शेयर करना जिनका बजट है 35,000 रुपए के आसपास और उनको एक अच्छा खासा गेमिंग डिवाइस चाहिए, तो फिर एक रिकमेंडेशन। और हाँ अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं वीडियो के साथ, सो गुड बाय।